Let's move on to second last paragraph and discuss difficult word meanings. First word is longing. It means a feeling of wanting something or someone very much, yani Second word is void. It means a feeling of unhappiness because someone or something is missing, yani nahuna. Third word is psyches. It means the mind or the deepest thoughts, feelings, or beliefs of a person or group, yani nafsiyat fourth word is rage it means violent uncontrollable anger yani tesh. fifth word is grief it means intense sorrow especially caused by someone's death yani gum Sixth word is blueprint. It means outline or diagram. Or Ur Urdu me se kahenge khaka banana. Seventh word is intimate. It means close, familiar. Or Ur Urdu me se kahenge ya karibi. Eighth word is touching. It means arousing feelings of sympathy or gratitude. Yani Now let's move on to eighth paragraph's explanation. इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि पिछले दो पैराग्राफ्स में हमने किस बारे बात की डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम्स के बारे बात की कि हर किसी की फैमिली इतनी अच्छी नहीं होती है कि हर किसी को और कंफर्ट दे काइंडनेस शो करे लव शो करे तो ऐसे लोगों का फ्यूचर जरूरी नहीं की ग्रिम हो या सेड हो फिर यहाँ क्या कहा जाता है कि वन ऑफ मैन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज फॉर चेंजेस आर बूम कि अगर कोई इंसान चेंज होना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा चेंज होने का रिसोर्स या सरमाया क्या

कि हमारे पास फादर के अफेक्शन नहीं है उसकी काइंडनेस नहीं है उसका लव नहीं है वो नथिंगनेस वो गैप आ गया हमारे दिल में उसको फिल किया जा सकता है हमारे माइंड में एक मैप तो होता है कि हमें कैसा प्यार अपने पेरेंट्स से चाहिए था हमारी साइकी की डार्क साइड में वो एक फोटो नेगेटिव की तरह वो चीज प्रेजेंट होती है फिर उसको किस तरीके से हम एक्चुअल में प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी डिसअपॉइंटमेंट बचपन से लेके अब तक हमारे माइंड में हमारे पेरेंट्स को लेके होती है उनको हम कन्फ्रंट करें योर रेज योर ग्रीफ योर लोनलीनेस जो कि एक अच्छी पेरेंटिंग ना हासिल करने की वजह से आप में आ जाती है इन सब चीजों को कन्फ्रंट करें और जो आपकी जरूरियात थी वो पूरी नहीं हुई आपके पेरेंट्स ने वो प्यार दे आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं की वो जरूरियात आप अपने बच्चों को अफेक्शन दे पूरी कर लगते हो जब आप वही लव जो आप चाहते थे अपने बच्चों को दोगे अल्टीमेटली दैट वॉयड विल बी फिल्ड अप जो कि किस वजह से क्रिएट हुआ था कि आपको वो अफेक्शन नहीं मिला था तो वो वॉयड क्रिएट हुआ था वो सेटिस्फैक्शन वो ग्रेटिफिकेशन अल्टीमेटली आपको मिलना शुरू हो जाती है जब आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आइडियल फ़ादर बनते हो जैसा फ़ादर आप चाहते थे सो so, इस तरीके से अगर हम हमेशा स्टोरी की ब्राइटर साइड की तरफ देखेंगे हम अपने वनस को भी हील करना सीख लेंगे अपने बैड एक्सपीरियंस से भी अच्छे एक्सपीरियंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे उनसे भी अच्छे लेसन सीखेंगे तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि हमारा जो फ्यूचर है वो डार्क ही हो हम अपने डार्क एक्सपीरियंस की बेसिस पर एक ब्राइट फ्यूचर को भी बना सकते हैं